नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के मझोला गांव की एक छात्रा कॉलेज से किताबें लौटाकर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में पहचान के एक युवक ने छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बाद अपने 3 साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताते चलें कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र की यूपी बॉर्डर 17 मील पुलिस चौकी के क्षेत्र में आने वाले मझोला गांव की एक छात्रा के परिजनों ने तहरीर दी है कि उनकी पुत्री के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस घटना से जहां पूरे महकमे में हड़कंप मच गया, पुलिस ने भी तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तत्काल खटीमा पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी भी ली है। पीड़िता ने बताया कि वह डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है। 10 जुलाई को डिग्री कॉलेज में किताबें जमा कराकर जब वापस आ रही थी तो रास्ते में पहचान के युवक जो अपने साथी के साथ खड़ा था वो उसे मिला। पहचान का युवक उसे अपने साथ एक होटल में ले गया जहां कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशा चढ़ने के बाद दोनों युवक उसे यूपी के न्यूरिया टांडा विजेंसी गाँव ले गए जहाँ 2 अन्य युवक पहले से मौजूद थे। उन 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे सड़क पर छोड़कर चले गए। काफी समय तक इधर उधर भटकने के बाद छात्रा अपने परिजनों से मिली और परिजन उसे घर ले आए। वहीं इस मामले की जानकारी लेने रुद्रपुर से आए अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि एक छात्रा से 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी युवक पुलिस के शिकंजे में होंगे। मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक बुलाया, शायद कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया, फिर मुझे चक्कर सामने लगा, फिर उसको डांडा लेके क्या फिर दुष्कर्म किया, फिर वहीं छोड़ दिया जहाँ मतलब डांडे से लाके मुझे वहीं पर छोड़ दिया। न्याय चाहते हैं महिला के जो कुछ परिचित लोग ही थे जिनके साथ गई और साथ उसका गलत काम कर दिया गया, तो उसमें तत्काल पुलिस द्वारा जैसे ही नॉलेज में आए जानकर में FIR दर्ज कर ली गई है और जो अभियुक्त है उनके लिए दबिश दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ जल्दी वो गिरफ्तार करके दीजिए। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीजी टुडे के साथ। नमस्कार।